हेलो यारो, ये है तीसरा पार्ट शंग्रीला थंका पेंटिंग का, और हम हैं इस एरिया में और हमें बढ़ना है थंका पेंटिंग की तरफ जो है उस पार। तो हमें थोड़ी रॉक क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी फिर दोबारा, तो चलते हैं और रेपेल करिए डाउन एंड देन आगे बढ़िए। देखिए क्या खाई है, कहीं पे ग्रेपलिंग हो को ना चाहिए एंड वो रहा। तो लेट्स गो स्पाइडरमैन लीव, एंड क्या लैंडिंग थी, बढ़िया। एंड क्रॉस करना है हमें इस लकड़ी के ब्रिज को, एंड यस वी हैव मेड इट थ्रू। और ये रहा टेंपल का एंट्रेंस, मेरे ख्याल से सामने ही है अब। दोस्तों आई होप आपने पिछले दो पार्ट देख लिए अभी तक, एंड आपको मज़ा आया तो लाइक छोड़ना ना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थंका पेंटिंग्स हमें ले जाएंगी नई दुनिया में जो है शंग्रीला की, और ये है तीसरा पार्ट। तो हम पहुंच गए कालीनाग्स वेंटेज में, और ये रही थंका पेंटिंग नंबर 3। काफी चमकदार, और हाथी दिख रहा है इसमें एक। हाथी, इंटरेस्टिंग, देखते हैं क्या होता है। तो बढ़ते हैं शंग्रीला की तरफ 1 मिनट में। घंटियों को बांधने वाला राक्षसा शंग्रीला को एक बेहद ऊंचे शिखर से देखता था। जैसे जैसे हम राक्षसा के नजदीक जा रहे थे, दुनिया उतनी ही अजीब और विकृत होती जा रही थी। नाव पर पतंगे की तरह मैं शंग्रीला की अंधेरे से रक्षा करने के लिए अतुर था। ये क्या था, सुसाइड कर लिया हिरणों ने? ओ माय गॉड। तो वो राक्षसी है जो बड़ा सा एंड में दिखता है हमें, वो उड़ता हुआ ईगल। एंड ओह नो डॉगीज, जिनने उन बेल्स को बांध रखा है और हमें छुड़ाना होता है हर मिशन के एंड में। और ऊपर देख सकते हैं आप, एक हाथी जूझ रहा था राक्षसों से, और हमें शायद उसको बचाना है। लेट्स गो, आवाज आ रही है अभी यहाँ तक। और ये रहा हाथी, तो सेव द एलिफेंट, दूर हो जाओ हाथी मेरे साथी से। ओ नो, वेरी गुड शेरा, हाथी को मत खा लियो बस। काली नाग तुम्हें बचाने आया हाथी, क्या करना है मुझे, इंटरैक्ट आराम से आराम से। अरे वो, तो आई थिंक ये हाथी भी हमारी मदद करेगा जैसे शेरा करता है। यस मेरे हाथी मेरे साथी, ओ यस वी कैन राइड इट। ओह दिस इज गोइंग टू बी एपिक, एक हाथी एक शेर और काली नाग की दास्ता। ये क्या पेड़ है रासों, पेड़ वेड़ की माँ की ले। बूम, क्रॉस कर लिया ये तो बिना देखे। सबको कुचल डालते हैं, लेट्स गो। ये गया, वेरी गुड हाथी। और काफी फ्लेम थ्रोअर वाले अभी आ गए हैं, जा मेरे शेरा। चारों तरफ से अटैक हो रहा है हमारे ऊपर, स्लो मोशन हेडशॉट, और हाथी ने कुचला। ओह शिट, आग लग गई है। हाथी को कुछ नहीं होना चाहिए बस, और सब तो चलता है। ओह शिट, कैसे मिस हो गई ये। ओह नो, हेल्थ बहुत कम हो गई। शिट शिट शिट, ये आया सर, ये बचे जा रहे हैं गया काम से। ओह शिट, कहीं ऊपर से भी मार गए मुझे लोग, पूरा सीढ़ियों पे खड़ा है। और ये एक और राक्षस को कुचला मैंने हाथी के पांव के नीचे। मरो सालो राक्षसों की सेना,
शिट हेल्थ हेल्थ चाहिए। ये तो ऊपर चढ़ गया, मर साले। कहाँ है ये? राइट सामने कुचलने का वक्त। बूम, अबे मर। चलो अब उतर के ही चलते हैं। टेक डाउन, मर यार। हेडशॉट, और काफी लोग हैं इधर, और सामने ही है एक माड़ी व्हील, तो हमें उसको घुमाना है। और ये आया एक और बंदा, ये गया नीचे। हेडशॉट्स लो, दो तीन, एंड यस, तीन हेडशॉट्स से नीचे। सब शांत, माड़ी व्हील घुमाते हैं फटाफट। घूम जा बेटा, शायद ब्रिज बन रहा है वहाँ पे इसी से। और अभी भी कोई मुझे शूट कर रहा है उस पार से। ये ले, ओह नो नो, क्या दे दिया ने, फिर धुंधलापन। चलो हाथी आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ो यहीं पे, लेट्स गो। उड़ा दे से, बूम, बहुत बढ़िया। अरे ज़्यादा फुटबॉल मत खेल, इन राक्षसों ने तबाही मचा रखी है, सारे जानवर को मार रखा है। हट जाओ, वाह गोल। अरे लगता है मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। एक और माणी व्हील है जिसे हमें स्पिन करना है, तो उसी की तरफ बढ़ रहे हम। और ये क्या, खोजकर्ताओं की संख्या कम होना शुरू हो गई थी। मैं एक अज्ञात स्थान के नजदीक पहुंच रहा था, मुझे लगने लगा कि इस यात्रा में मैं उन लोगों के मुकाबले में काफी आगे पहुंच चुका हूं जो मुझसे पहले यहां आ चुके हैं। और एक और सीकर था ये मेरे ख्याल से, भिक्षु। तो माड़ी व्हील, कोई सिक्योरिटी नहीं इधर, और ये आए और राक्षस प्रकट होके, और ये आया मेरा हाथी। यस, मार डाल सालों को। ये ओ नाइस थ्रो, ओ शिट, फ्लेम थ्रो वाला भी आ गया। लेट्स सेव हिम, जा मेरे शेरा, मदद कर हाथी की। और ये भागे यहाँ से, डरपोक्स साले। बूम, वेरी गुड। और ये आया एक और, ये गया काम से। तो रास्ता खुल चुका है, ब्रिज बन चुका है वहाँ पे, और वहीं जाना है हमें, बेल ऑफ एनलाइटमेंट के पास। ओह शिट शिट शिट, ये बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं नहीं, भागो भागो साले, मर। पता नहीं तो कहाँ कहाँ से तीर चलाते हैं लोग, छुप रहे हैं। कहाँ गया मेरा हाथी? टेक डाउन, सीधा छाती में। और अब बढ़ते हैं उस ब्रिज की तरफ, वो रहा। एंड एक बड़ा सा गेट, ओह नो, हाथी। यस हाथी, शाबाश मेरे हाथी। तो तोड़ देते हैं इस गेट को, बूम, और चलते हैं। ओ राक्षस आए जा रहे हैं, कोई ना, सबको कुचल देंगे हम। भागे यहाँ से, हट, हाथी के सामने आते हो, मरोगे सब। ओ ऊपर की तरफ आ गया अब काफी, और द एक्सप्लोजिव भी है, उनको उड़ाना जरूरी। बूम, यस, काफी लोग आग से घिरे, मरो सालो। स्कॉर्चर्स काफी सारे ऊपर से आग फेंक रहे हैं, दो नीचे। जा मेरे शेरा तू भी, और देख सकते हैं एंडिंग दिख रही है मुझे यहीं से।
हेडशॉट एक और, मर भी जाओ। और ये उड़ाया हाथी ने, ओ शिट मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई अचानक। हट जाओ रास्ते से, मैं किसी के लिए नहीं रुकूंगा। ओ शिट एक्सप्लोजिव उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो उड़ गया मेरे ख्याल से खुद ही। अरे मिस कैसे हो गया, शिट मिस कैसे हो रहा है ये। बूम, ये ऊपर से काफी लोगों ने एरो मार दिया मुझे। चलिए गेट तोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सीधा। हट जाओ, बूम, और हम अंदर पहुंच गए किसी पैलेस के, और यहाँ पे और ज्यादा राक्षस। तो ये लड़ाई जारी है। ओहो क्या उड़ाया, गोल कर दिया ये तो यार सीधा। ये स्कॉर्चर्स बड़े शैतान है यार, आग लगा देते हैं। बढ़िया आ गया मेरा शेरा वापस, कर दे सबका खात्मा, जय शेरा वाली। अरे तू कहाँ भाग रहा है, बूम, और एक ब्लास्ट, और टेक डाउन करते हैं स्कॉर्चर को। ये गया, ओए हाथी भी आ गया, ट्रिपल थ्रेट। एक और ब्लास्ट, और पता नहीं और कितने लोग हैं यार यहाँ। ये तो गया तीनों, हम तीनों ने मिलके तहलका मचा दिया इस एरिया में, किसी को नहीं छोड़ा। और बाहर की तरफ से एरोज आ रही हैं, लेकिन हम बढ़ते हैं, उन्हें छोड़ो यार, हम आगे बढ़ते हैं और ऊपर। और एक स्कॉर्चर बीच में, शबाश चेहरा खत्म। तो यार सारे ओ, कोई नहीं दिख रहा, चलो चलते चलते। और हम आ गए अंदर यहाँ पे, और साले आ गए ये लोग। अभी भी काफी ऊपर है लग रहा है मुझे, जहाँ बेल है बाहर की तरफ ही होगा। ये आया चारों तरफ से, आगे पीछे प्रकट हुए जा रहे राक्षसा पे राक्षसा। एंड एरोज लेते रहिए, वरना जल्द से जल्द खत्म हो सकती है। मेरे ख्याल से 60 रख सकता है ये मैक्सिमम। एंड ये 5 एरो का शॉट 1 ही काउंट होता है, चिंता मत करिए। इनविजिबल नहीं, इसको शॉट मार देंगे। जा शेरा इसका कर दे काम तमाम, तक मैं अपनी उंगली सीधी करता हूँ। आउच, हेड शॉट, बूम, और सोने की मूर्ति देख रही है आपको फिर दोबारा। लेकिन बेल कहाँ है भाई, बेल ही तो नहीं दिख रहा, बेल कहाँ गया। ओ पीछे है हमारे, तो ये रहा तीसरा बेल। या स्कॉर्चर, दो स्कॉर्चर आ गए हमारे, कर दे काम तमाम, टेक डाउन करना पड़ेगा। कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर भी आ गए। हटो, सीधा फोड़ो इसे। ये है असली शंग्रीला का राक्षस। दो घंटियां राक्षसा को मारने के लिए काफी नहीं थी। मैं उस वक्त ये जान गया था कि अपनी यात्रा को खत्म करने का एक ही रास्ता है। तो हम राक्षसा के पीछे निकल पड़े, और ये होगा अगले एपिसोड में। तो हम आ गए हैं वापस अपने घर घेल होमस्टेड में, एंड ये रहा हमारा तीसरा थंका पेंटिंग। सबसे पहला थंका पेंटिंग हमें एक कैंपेन मिशन के दौरान ही मिल जाता है। तो द पैराडाइज डिस्ट्रॉयड मिशन कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।